अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, लिविंग के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है कि प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका पाया कहाँ पे जाता है, तो ये पाया जाता है रूट ऑफ दी क्रोसीफ्रेशियस प्लांट के रूट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्लब रूट, जो ये क्लब रूट डिजीज भी काज करता है, फिंगर और टो डिजीज काज करता है ब्रासिका का प्लांट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वाइल्ड और कल्टीवेटेड मेंबर्स दोनों के ऊपर अटैक करता है, अटैक ऑन बोथ वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड मेंबर्स। तो दोनों ब्रासिका के मेंबर, खमा वो वाइल्ड हो या फिर कल्टीवेटेड हो, ये अटैक करेगा। तो ये डिजीज जो है यूनिवर्सली अकर करती है, पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो कॉमनली ये अटैक किस किस को करता है, ये करता है कैबेज को, मस्टर्ड और टर्निप। कॉमनली अटैक टू कैबेज, मस्टर्ड, थर्ड इज टर्निप, ठीक है। तो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारे पास है वो 6 फेजेस पाई जाती हैं। सोमैटिक फेज, रेस्टिंग स्पोर फेज, प्राइमरी सोमैटिक फेज, रेस्टिंग स्पोर फेज, प्राइमरी जू स्पोर फॉर्मेशन और रूट हेयर इन्फेक्शन, प्राइमरी प्लाज्मोडियम एंड जू स्पंजियम, जू स्पोर फॉर्मेशन और सेकेंडरी प्लाज्मोडियम फेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका, तो लाइफ साइकिल जो है वो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका के अंदर क्या हम देखते हैं, सबसे पहले कि जो इसका लाइफ साइकिल है वो स्टडी किया जाता है किसके अंदर, टिश्यू कल्चर ऑफ द ब्रासिका नेपिस, जिसको हम टर्निप भी कहते हैं। तो किसके अंदर ये पाया जाता है, टर्निप के टिश्यू कल्चर में देखा कि टर्निप के टिश्यूज के अंदर ये जो फंजाई पैथोजन है वो पाया गया है। तो ये काज टर्निप के अंदर क्या काज करता है, ये काज करता है क्लब रूट, डेड रूट्स डिजीज काज करता है टर्निप के अंदर, जो कि सॉइल के अंदर वो रूट्स पाई जाती हैं, रूट्स खराब हो जाती हैं, रूट्स खराब हो जाती हैं और गल सड़ जाती हैं, ठीक है ना, इस कंडीशन के अंदर क्लब रूट, रूट डिजीज इन टर्निप रूट्स, ठीक है। तो इसके अंदर रूट्स जो होती हैं ये बिल्कुल खराब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। तो हम अगर बात करें इसकी सोमैटिक फेज की, सोमैटिक फेज कैसा होगा प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका का, तो सोमैटिक फेज के अंदर जो हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है कि प्लाज्मोडियम एक क्रीपिंग मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है प्रोटोप्लाज्म का। प्लाज्मोडियम देखते हैं हम इसकी सोमैटिक फेज के अंदर, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम बेसिकली है क्या चीज़, तो प्लाज्मोडियम एक फ्री लिविंग क्रीपिंग मल्टी न्यूक्लिएट मास है, फ्री लिविंग क्रीपिंग मल्टी न्यूक्लिएट मास, मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे और साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, कवर्ड इन ए स्लाइम शीट। तो एक स्लाइम शीट, एक पतली शीट, ट्रांसपेरेंट शीट के साथ ये सारा कुछ कवर्ड होगा, कवर्ड विद इन ए स्लाइम शीट। तो जो इसकी सोमैटिक फेज होगी वो प्लाज्मोडियम होगी, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका का, ठीक है। तो जो दैट्स ट्रूली लेक, तो इनके अंदर जो होती है सेल वॉल, प्लाज्मोडियम जो होगी इसके अंदर लेक सेल वॉल, ठीक है। तो इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं पाई जाएगी। तो क्या होता है प्लाज्मोडियम, एक फ्री लिविंग क्रीपिंग मल्टी न्यूक्लियट मास होती है, प्रोटोप्लाज्म कवर्ड इन ए स्लाइम शीट दैट लेक सेल वॉल, ठीक है। टोटली इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो होल मास जो होता है कन्वर्ट इनटू वन और मोर फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये पूरा मास जो होता है एक या एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मच्योर प्लाज्मोडियम होता है ना, इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, अबाउट 30 मच्योर प्लाज्मोडियम के अंदर कितने न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, अबाउट 30 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें रेस्टिंग स्पोर फेज की, तो रेस्टिंग स्पोर क्या होता है, अब इसके अंदर जो हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा स्पोर्स पाए जाते हैं। जो पूरा मास है ना, ये जो हमारे पास मल्टी न्यूक्लियट मास होता है, ठीक है ना, कन्वर्ट कर दिया जाता है एक या एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो होंगे बहुत ज्यादा स्पोर्स पाए जाएंगे। तो जो रेस्टिंग स्पोर्स होंगे, तो रेस्टिंग स्पोर्स होंगे इसकी अगर हम बात करें, रेस्टिंग स्पोर्स, तो अगर हम रेस्टिंग स्पोर्स की बात करें तो वक्त के साथ क्या होता है कि जो प्लांट का होता है ना होस्ट, मतलब कि जो प्लांट होता है या रूट्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, वो डाई कर जाती हैं, ठीक है ना, डाई होस्ट, तो होस्ट होता है वो मर जाता है। तो जो प्लाज्मोडियम जो होता है ये वाला, ये मच्योर हो जाता है और जो पूरा होस्ट है ना वो इसके साथ फिल हो जाता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम के साथ फुल जो होस्ट होगा वो फिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि हर जो डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम होगा वो मियोसिस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो प्लाज्मोडियम है ये एक डिप्लॉयड फॉर्म है, तो जब होस्ट मर जाएगा, रेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं, होस्ट जाएगा तो होस्ट की पूरी बॉडी जो होगी वो प्लाज्मोडियम से कवर हो जाएगी, और जो प्लाज्मोडियम होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड फॉर्म है तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम जाएगा किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, रिडक्शन डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे होगी मियोसिस यहाँ पे होगी और चार राउंड रेस्टिंग स्पोर्स बन जाएंगे। मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोसिस के अमल के बाद हमारे पास आएंगे रेस्टिंग स्पोर्स, रेस्टिंग स्पोर्स बन जाएंगे।
ठीक है। तो जब रेस्टिंग स्पोर्स बन जाएंगे, तो अगर हम इन स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स की जो वॉल्स होती हैं वो स्पाइनी होती हैं, कांटेदार होती हैं, हेयरलाइन होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर होती हैं और यूनिन्यूक्लियेट होती हैं। तो स्पोर्स जो इसके अंदर बनेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे स्पाइनी वॉल। स्पोर्स हैव स्पाइनी वॉल, ठीक है, हेयरलाइन एंड यूनिन्यूक्लियेट। इनके अंदर न्यूक्लियस भी एक सिंगल पाया जाएगा, क्योंकि वो स्पोर्स बने किसके से, किससे हमें पता है, वो बने हैं मियोसिस से, मतलब कि अब ये वन एंड फोर है। तो ये जो स्पोर्स होंगे अब 7 से 8 साल के लिए ना ये रेस्ट में चले गए हैं बिफोर जर्मिनेशन। तो अब रेस्टिंग स्पोर्स ही बन गए हैं। तो अगर हम शुरू से बात करेंगे, एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है जो आपने साथ साथ जब मैं बोल रही हूँ कोशिश कीजिएगा साथ साथ पॉइंट नोट आउट करें जाएं, लेकिन अगर आपकी बुक के ऊपर बहुत आसान लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अब वहाँ से कर लें, यहाँ से तो समझ लें। तो इसके अंदर क्या होगा, सोमैटिक फेज जो होगी वो क्या है, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक फ्री लिविंग क्रीपिंग मल्टी न्यूक्लियर मासेस प्रोटोप्लाज्म का, जो एक स्लाइम शीट से कवर है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर किसी भी किस्म की सेल वॉल नहीं पाई जाती, जो मैच्योर प्लाज्मोडियम होता है इसके अंदर 30 डिप्लॉयड न्यूक्लियर पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम के बाद क्या होता है कि जब डिप्लॉयड न्यूक्लियर पाए जाएंगे हमें पता चल गया, अब क्या हुआ, जब रेस्टिंग फेज आती है, अब ये प्लाज्मोडियम रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम ने क्या करना है, उसने पूरे होस्ट को फिल कर देना है, होस्ट ने मर जाना है। अब पूरे फिल किए हुए प्लाज्मोडियम के अंदर के पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, हमें पता है ये डिप्लॉयड नेचर के अंदर, तो इसके अंदर होगी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगी, मियोसिस के बदले में बनेंगे स्पोर्स, रेस्टिंग स्पोर्स होंगे, स्पोर्स होंगे इसके अंदर स्पाइनी वॉल होती है, हायरलाइन होते हैं, यूनि न्यूक्लियर होते हैं नेचर के अंदर। तो स्पोर्स जो होते हैं ये डिके होती है ना जब रूट्स की, तो उसकी वजह से जो स्पोर्स होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और ये वहां पे अब डोरमेंट रहेंगे कितनी देर तक, 7 से 8 सालों तक वहां पे अब स्पोर्स जी डोरमेंट रह गए हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी जूल स्पोर, थर्ड स्टेप जो है प्राइमरी जूल स्पोर फॉर्मेशन और रूट हेयर इन्फेक्शन की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी जूल स्पोर फॉर्मेशन और रूट हेयर इन्फेक्शन। तो सी स्टेप है हमारे पास प्राइमरी जूल स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एंड रूट हेयर। रूट हेयर्स में पता है ना कौन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट से निकल रहे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है। तो रूट हेयर के अंदर भी ये इन्फेक्शन जाएगा। तो कैसे ये जाएगा इन्फेक्शन जी, यहाँ पे हम देखते हैं। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, अब 7 से 8 साल तक वो स्पोर्स जो थे रेस्टिंग स्पोर्स थे वो सोए रहे हैं, नींद में रहे हैं, अब वो कोई फेवरेबल कंडीशन आई है, तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो स्पोर्स जो होंगे वो दोबारा बेदार हो जाएंगे जी, दोबारा अपनी नींद से उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्टिंग स्पोर्स जो होगा ये जर्मिनेट करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्पोर्स ने जो पड़े थे उन्होंने क्या कर दिया है, जर्मिनेट कर दिया है स्पोर्स ने, ठीक है। तो स्पोर्स ने जर्मिनेट करके क्या बनाया, उन्होंने बाईफ्लैजेलेटेड जो दो फ्लैजला वाला एक न्यूक्लियस है हैप्लॉयड स्पोर्स है ना, तो बाईफ्लैजेलेटेड प्राइमरी जू स्पोर बना दिया है। अब ये प्राइमरी जू स्पोर के पास फ्लैजला है, मतलब कि इसके अंदर मोटिलिटी है, इसके अंदर ये मोटाइल है, इसके अंदर मूव करने की एबिलिटी है, ठीक है ना। तो जब ये मोटाइल है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये मूव करेंगे। फ्लैजला का फंक्शन क्या होता है कि वाटर के अंदर या मॉइस्चर के अंदर ये मूव करता है, तो ये जो प्राइमरी जू स्पोर है ये स्विम करेगा मॉइस्चर के अंदर कुछ टाइम के लिए, और जब भी किसी रूट हेयर की वॉल के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, किसके साथ, रूट हेयर वॉल, तो रूट हेयर की वॉल के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, तो बॉडी जो होती है वो जू स्पोर की क्या हो जाती है, ये रूट हेयर के साथ कॉन्टैक्ट करने के बाद होगा ये सिलसिला, जो बॉडी होती है जू स्पोर की बॉडी हो जाती है फ्लैटेंड, एक फ्लैट हो जाएगी, जस्ट लाइक योर कॉपी, आप एक अंदाजा लगा लेंगे फ्लैट बॉडी हो जाएगी इस तरह, ठीक है ना, जिस तरह मेरा हाथ है ये फ्लैट सीधा, तो बॉडी जो होगी वो फ्लैजेलेटेड हो जाएगी, जो फ्लैजला होगा ना वो बॉडी के किर्द क्वाइल कर लेगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह एक फ्लैट बॉडी होगी और फ्लैजला बॉडी होगी इस तरह क्वाइल कर जाएगा, और क्या होगा कि बॉडी जो होगी और जो अराउंड सीडोपोडियम की तरह की एक्सटेंशन निकल आएगी, सीडोपोडियम एक्सटेंशन हमने देखा था कि सीडोपोडियम एक्सटेंशन किया कि बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरफ जो होगा वो नुकीला सा हो जाएगा, ठीक है ना, एक तरफ की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, डिवेलप, इसके अंदर क्या होगा, ये बॉडी फ्लैटेंड हो जाएगी, फिर इसके अंदर सीडोपोडिया एक्सटेंशन इसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी, सीडियोपोडियम लाइक एक्सटेंशन निकलनी हो जाएगी, और इस जू स्पोर में से और वैक्यूल लिपिड बॉडीज और लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग ए बुलेट शेप स्टाइल डेवलप। तो एक वैक्यूल इसके अंदर डेवलप हो जाएगा, इस बॉडी के अंदर क्या क्या डेवलप होगा, सीडियोपोडिया एक्सटेंशन, ठीक है, वैक्यूल डेवलप हो जाएगा इस बॉडी के अंदर, ठीक है, वैक्यूल के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, लिपिड कंटेनिंग बॉडीज, लिपिड बॉडीज डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, फिर लिपिड बॉडीज के अलावा भी कोई चीज डेवलप होगी, तो वो होगी एक स्टाइलेट, एक ट्यूब बुलेट की तरह की, मतलब कि नुकीली ट्यूब, कौन सी ट्यूब, बुलेट शेप, बुलेट शेप्ड स्टाइलेट, स्टाइलेट हम ट्यूब को कहते हैं, तो उस तरह की एक नुकीली ट्यूब जो होगी वो निकलेगी, ये जो ट्यूब होगी ना वो अटैच हो जाएगी रूट हेयर्स के साथ थ्रो अढ़ोरी सोरियम एडिसोरियम सॉरी एडिसोरियम के जरिए, जो रूट्स होंगी ना, एडिसोरियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसको चिपका देगा उसके साथ, ठीक है, तो ये एक जो होगा ये सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो ये तो है कि हमने जूलॉजी में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो जो स्टाइलेट्स होती हैं ये क्या करेगी, ये अटैच कर जाएगी रूट हेयर के साथ, अटैच्ड स्टाइलेट क्या होगी, अटैच टू रूट हेयर्स रूट हेयर के साथ अटैच्ड हो जाएगी थ्रो एडिसोरियम के जरिए, ठीक है।
तो उसके बाद वैक्यूल जो होगा वो इनलार्ज हो जाएगा और बस्ट कर देगा सेल थ्रो सेल वॉल, स्टाइलर थ्रो सेल वॉल। तो वैक्यूल जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और बस्ट कर देगा, इसके जरिए स्टाइलर को बस्ट कर देगा सेल वॉल में से, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा, क्योंकि एडिटोरियम जो है एक हाथी की तरह की स्ट्रक्चर, सूंड की तरह की, मेरे मुझे हाथी निकला है, हाथी की सूंड की तरह की एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है, वो उसके जरिए वो अटैच हो गया। अब क्या होगा, वैक्यूल जो होगा वो ये एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है जो कि अटैच हो चुकी है बॉडी के साथ। वैक्यूल ने क्या करना है, उसने बस्ट कर देना है, उसने इनलार्ज हो जाना है और सेल वॉल में से बस्ट कर देना है स्टाइलेंट को। तो जिसकी वजह से ये जो बस्टिंग होती है वैक्यूल की, इसने इंजेक्ट कर देना है पैरासाइट को, बस्टिंग ऑफ वैक्यूल इंजेक्ट, क्योंकि वैक्यूल ने बस्ट किया, स्टाइलेंट जो थी वो वैक्यूल इनलार्ज हो गया सॉरी, और स्टाइलेंट जो थी वो बस्ट कर गई है। स्टाइलेंट बस्टिंग ऑफ स्टाइलेंट, इस स्टाइलेंट की जो बस्टिंग है इसने इंजेक्ट कर दिया है पैरासाइट को, इंजेक्ट पैरासाइट थ्रो इनटू होस्ट सेल एस स्मॉल स्फेरिकल अमीबा। तो एक छोटे से स्फेरिकल अमीबा की तरह जो है, जिसको हम मिक्सो अमीबा कहते हैं, उसकी तरह इसने जो है वो इंजेक्ट कर दिया है किसको, अपने आप को बॉडी के जो प्लांट सेल की जो रूट हेयर है उसमें से, ठीक है ना। तो मिक्सो अमीबा की तरह ये, जस्ट लाइक मिक्सो अमीबा, तो जो है वो वैक्यूल ने इनलार्ज होकर स्टाइलेट को बस्ट कर दिया है और इंजेक्ट कर दिया है अपने आप को, मतलब कि स्टाइलेट को बस्ट करके अपने आप को इंजेक्ट कर लिया है किसके अंदर, होस्ट की सेल वॉल में से, रूट हेयर की सेल वॉल में से रूट्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि रूट्स के अंदर जो होंगी वो इंसर्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इंसर्शन हो गया, अब यहाँ पे प्राइमरी प्लाज्मोडियम और ज़ूस्परिन्जियम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्राइमरी प्लाज्मोडियम। और ज़ूस्परिन्जियम, ठीक है, यहाँ पे हम ये बात करेंगे प्राइमरी प्लाज्मोडियम की और ज़ूस्परिन्जियम की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्राइमरी प्लाज्मोडियम और ज़ूस्परिन्जियम में क्या होता है, तो जो होता है ना ये मिक्सो अमीबा की तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इस तरह डिवाइड कर जाता है और देता है यूनि न्यूक्लिएट टू मैनी यूनि न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर यूनि न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना देता है ये मिक्सो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये डिवाइड कर जाएगा और बना देगा मैनी यूनि न्यूक्लिएट अमीबा लाइक बॉडीज, अमीबा की तरह की बॉडीज बना देगा, ठीक है। अब जो ये अमीबा लाइक बॉडी है इसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मोगैमी, यहाँ पे क्या होगी अमीबा लाइक बॉडीज के अंदर प्लाज्मोगैमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, जब प्लाज्मोगैमी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा प्राइमरी प्लाज्मोडिया। प्राइमरी प्लाज्मोडिया के अंदर क्या होगा कि स्परिंजियोजीनस और प्लाज्मोडिया, तो अलेक्सोपोलस और मिम्स दो साइंटिस्ट थे, अलेक्सोपोलस एंड मिम्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस प्राइमरी प्लाज्मोडिया को कहा ये स्परिंजियोजीनस प्लाज्मोडिया, ठीक है, स्पोरंजियोजीनस प्लाज्मोडिया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मल्टी न्यूक्लिएट प्राइमरी, जो ये प्राइमरी प्लाज्मोडिया है ना, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कोई भी क्रॉस वॉल नहीं होती है, एज इट इज न्यूक्लियस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगी, क्लीवेज होना शुरू हो जाएगी और ज़ूस्परिन्जिया बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लियर प्लाज्मोडिया के अंदर क्या हो गई थी, क्लीवेज हुई थी और ज़ूस्परिन्जिया बनना शुरू हो जाएंगे, ज़ूस्परिन्जिया बन गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ज़ूस्परिन्जिया क्या है, ये इन्फेक्शन जब हो जाएगा ना उसके, मतलब कि जब होस्ट ने अटैक करने के, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने के 4 डेज बाद बनेंगे, ठीक है ना, 4 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के 4 दिनों बाद ये ज़ूस्परिन्जिया बन जाते हैं। तो ये एक थिन वॉल्ड होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बाद ज़ूस्परिन्जिया बन जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन हमने पढ़ना है, जो कि 5th स्टेप है, ठीक है, ज़ूस्पोर फोर। अगर हम ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन के अंदर देखें तो हर ज़ूस्परिन्जिया जो बनते हैं 4 से 8 ज़ूस्पोर इसके अंदर बनते हैं, ठीक है ना। तो ज़ूस्परिन्जिया जो बनते हैं हर ज़ूस्परिन्जिया के अंदर 4 to 8 ज़ूस्पोर्स बनेंगे, 4 से 8 ज़ूस्पोर बनते हैं हर ज़ूस्परिन्जिया के अंदर, ठीक है। तो 4 से 8 ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं, तो ज़ूस्परिन्जिया जो होते हैं ये अटैच्ड होते हैं होस्ट सेल वॉल के साथ, तो अटैच्ड होस्ट सेल वॉल, सेल वॉल होस्ट की सेल वॉल के साथ ये अटैच्ड कर जाते हैं, ठीक है। और एक पोर डेवलप होता है ज़ूस्परिन्जिया के दरमियान में और सेल वॉल के दरमियान में, और जिससे ज़ूस्पोर्स लाइब्रेट हो जाते हैं इस पोर के जरिए, मतलब कि ये सेल वॉल है,
इसके साथ आके इस जूस परंजिया ने अटैच हो जाना है, ठीक है। अब ये जूस परंजिया भाई कुछ हो रहा है तो मैंने लिबरेट होना है यहाँ से, तो यहाँ पे एक पोर ये डेवलप कर देते हैं जिसको मैं इसके पर्पल से रिंग मार्क, तो ठीक है। तो सेल वाल के साथ तो पोर डेवलप हो रहा है, उसने यहाँ पे पोर बना दिया इसलिए खुश हो रहा है, और इस पोर के जरिए जो होता है जूस परंजिया ने बाहर आ जाना है, बाहर लिबरेट कर जाना है, ठीक है ना। बाहर आ गई, ये ज़्यादा खुश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी शैतानी था। तो अब हम बात करते हैं, अब सेकेंडरी प्लाज्मोडिया क्या है हमारे पास, व्हाट इज दैट। सिक्स स्टेप अगर आ गया हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है, प्लाज्मोडिया, सेकेंडरी प्लाज्मोडिया हमारे पास क्या होता है, तो जू स्पोर बिहेव कर रहा है वो, भाई मैं तो गैमेट हूं, जू स्पोर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए गैमेट, एक बिहेव लाइक ए गैमेट, एक गैमेट की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। और फ्यूज करता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी इसके अंदर हो जाएगी लेकिन कैरियोगैमी नहीं होगी। तो ज़ूस्पोर एज ए गैमेट बिहेव कर रहा था, तो एज ए गैमेट बिहेव कर रहा है तो भाई ये फ्यूज भी करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर प्लाज्मोगैमी हो जाएगी और कैरियोगैमी नहीं होगी। प्लाज्मोगैमी पहले हो जाएगी और कैरियोगैमी अभी नहीं होगी। तो बाई न्यूक्लिएट ज़ूस्पोर, क्योंकि कैरियोगैमी नहीं हुई तो न्यूक्लियस दो ही पड़े हुए हैं एज इट एज इट इज, ठीक है। दो ज़ूस्पोर ने, दो ज़ूस्पोर ने जो था वो दो मिल गए हैं, फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगैमी हुई है, कैरियोगैमी नहीं हुई है। तो बाई न्यूक्लिएट ही फिर रहे हैं अभी के, दो न्यूक्लियस हैं दोनों ज़ूस्पोर के, तो बाई न्यूक्लिएट इनकी अभी कंडीशन है प्लाज्मोगैमी के बाद, आर एबल टू री इन्फेक्ट द रूट। तो अब बाई न्यूक्लिएट ज़ूस्पोर बहुत अच्छे से ये दोनों तैयार हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो समझ लें, दोनों ज़ूस्पोर मिल गए थे, ये दोनों ही अब तैयार हैं, ये दोनों के बाई न्यूक्लियर ज़ूस्पोर बहुत ज़्यादा तैयार है, दोनों के पास ही न्यूक्लियस, दोनों के दोनों का अक्स यहाँ पे है हमारे पास। अब जो ये बाई न्यूक्लियर ज़ूस्पोर है ये रेडी है कि ये किसी और रूट को इन्फेक्ट करे, ठीक है। तो और अल्टीमेटली सेकेंडरी प्लाज्मोडिया बना दे इन्फेक्शन के बाद, ठीक है ना। तो सेकेंडरी प्लाज्मोडिया किस तरह बनेगा, किसी और को इन्फेक्ट कर देगा ये, और सेकेंडरी प्लाज्मोडिया माइटोसिस डिवीजन के जरिए बनाएगा, ठीक है। माइटोसिस होगी, मैंने दो फेस इसलिए बनाए कि दोनों दो मिले थे, ठीक है ना। तो जब तक कैरियोगैमी नहीं हुई, मतलब कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेपरेट सेपरेट है, दोनों के फेसेस अलग अलग नहीं है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब माइटोसिस हुई तो सेकेंडरी प्लाज्मोडिया बन गया, सेकेंडरी प्लाज्मोडिया बन गया, और फिर पेनिट्रेट करता है रूट के कॉर्टेक्स के अंदर, प्लाज्मोडिया इनलार्ज होता है फिर माइटोसिस के साथ, और सेल कंटेनिंग देम हाइपर ट्रोफाइड, हाइपर ट्रोफाइड हो जाते हैं जो इनको सेल कंटेन करते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मोडिया होता है ये मेडुलरी रेस के अंदर मूव कर जाता है, फिर वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है। तो रूट टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर मोटिलिड अपेयरेंस, मतलब के उसके ऊपर धब्बे धब्बे से आना शुरू हो जाते हैं रूट्स के अंदर। तो जब प्लाज्मोडिया की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो फिर बाद में क्या होता है, फिर उनके अंदर कैरियोगैमी होती है और डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, ये भी जाइगोट मियोसिस के अंदर जाता है। फिर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, तो ठीक है। फिर जब हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर वही बात कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्स पाए जाएंगे, क्योंकि हैप्लॉइड होंगे नेचर के अंदर। अब हैप्लॉइड स्पोर्स है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हर स्पोर के साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा उसका अपना, और क्लीविज सी बन के क्या होगा, मतलब आप देखें आप यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाए गए हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो कि हैप्लॉइड है। अब हर जो साइटोप्लाज्म नीचे पड़ा हुआ है, हर स्पोर के साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ और क्लीविज सी आ गई वहाँ पे जहाँ जहाँ इकट्ठा हुआ ना, तो वो क्या हो गया, वो थिन वाल्ड रेस्टिंग स्पोर्स बन गए हैं। अब थिन वाल्ड रेस्टिंग स्पोर्स ने क्या करना है, इसने रिलीज कर देना है, जब होस्ट ने मर जाना है ना तो इसने होस्ट को, होस्ट ने इसको रिलीज कर देना है सॉइल के अंदर, और 7 से 8 साल के लिए अब ये गए हैं रेस्टिंग पीरियड के अंदर। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये दोबारा क्या करते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको प्लाज्मोडियो फोरा ब्रासिका की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर